गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं आपके फाइबर क्रॉप्स, और फाइबर क्रॉप्स में आपके दो फाइबर क्रॉप्स कोर्स में हैं, एक है कॉटन और दूसरा है जूट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फाइबर क्रॉप्स में पहला पार्ट यानी पहला प्लांट जिसका नाम है कॉटन, हिंदी में जिसे अपन कपास कहते हैं। तो देखिए, कॉटन हम जनरली जानते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में कॉटन काफ़ी काम में आता है। तो पहले हम कॉटन की कुछ बेसिक चीज़ें बॉटनी से रिलेटेड जाने। देखिए, कॉटन का जो जीनस है वो गॉसिपियम जीनस है, जीनस गॉसिपियम है इसका, और इसकी फैमिली है मालवेसी। और अगर इसके ओरिजिन की हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि लगभग 1500 BC से लेके 1500 AD के आसपास इंडिया के अंदर इसका ओरिजन हुआ, और इंडिया से ही ये फिर माइग्रेट हुआ। कहाँ पर? इंडिया से चाइना में गया, इजिप्ट में गया, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसफर हुआ, और ये सारा काम हुआ लगभग 600 AD के आसपास। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो प्लांट है गॉसिपियम यानी कॉटन का, ये एनुअल या पेरिनियल श्रब टाइप का प्लांट है, यानी एक वर्षीय या बहुवर्षीय पादप है, पर श्रब टाइप का झाड़ीनुमा संरचना वाला है। और फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो फ्लावर्स के रेगुलर टाइप के फ्लावर हैं, यानी उसमें सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होती है। और ये सॉलिटरी फ्लावर्स आते हैं, सिंगल सिंगल फ्लावर आता है, और फ्लावर ये बाइसेक्शुअल होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स की अवेलेबिलिटी इसके अंदर रहती है। तो ये बाइसेक्शुअल फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी होती है इसमें। तो अब हम फ्रूट की बात करते हैं। जो फ्रूट है इसका वो कहलाता है कॉटन बॉल। कपास के अगर आपने प्लांट्स देखे हैं तो उसमें आप देखें, जब वो कपास पक जाती है तो जो उसका फ्रूट होता है, जिसके ऊपर रुई का एक छोटा सा बॉल लगा हुआ होता है, वो कॉटन बॉल कहलाता है इसका। और जो इसके सीड्स होते हैं वो 9 की संख्या में डेवलप होते हैं हर लोक्यूल के अंदर, यानी हर लोक्यूल में, हर ओव्यूल की खाली स्पेस के अंदर, जो खाली स्पेस होती है उसे लोक्यूल कहते हैं। और हर लोक्यूल के अंदर एक सीड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सीड की जो संख्या होती है वो 9 होती है। चलिए अब हम इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात करते हैं। बहुत सारे इसके प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं, नाम जो देख लेते हैं, जैसे रशिया है, USA है, चाइना है, मैक्सिको है, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये बहुत सारे कंट्रीज के नाम हैं। हम कंसंट्रेट करते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया में इसका जो प्रोडक्शन होता है वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन जगहों पर होता है। इनके अलावा और भी जगह ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। चलिए अब हम इसके कल्टीवेशन की बात करते हैं। ये जो प्लांट है कॉटन का, ये खरीफ क्रॉप है, यानी कि समर प्लांट है। और हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी जो ग्रोथ होती है वो लगभग 200 डेज का इसको टाइम चाहिए होता है, इसको पूरी फसल को तैयार होने में। और इसके लिए इसे अच्छी खासी सनलाइट की आवश्यकता होती है, प्रोलॉन्ग सनलाइट की इसको आवश्यकता रहती है। टेम्परेचर 21 डिग्री से नीचे नहीं चाहिए इसे, और 44 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इसके लिए हार्मफुल होता है, यानी 21 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड का तक का टेम्परेचर इसके लिए सुटेबल माना जाता है। चलिए इसका रेनफॉल के लिए बात करते हैं। रेनफॉल पूरे साल भर में इसे बारिश चाहिए वो लगभग 75 से 250 सेंटीमीटर के एनुअल रेनफॉल चाहिए। सॉइल से इंडो गैंगेटिक एल्युवियल सॉइल चाहिए, यानी गंगा के रीजन के आसपास का जो सॉइल है वो इसके लिए अच्छा है। एक सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, जो कि वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिलती है, वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। एक है रेड सॉइल, जो कि साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होती है, तो वो भी इसके लिए अच्छी मानी जाती है इसकी फसल के लिए। अब हम इसकी सोइंग की बात करते हैं। जो फसल की बुआई की जाती है वो मॉनसून की स्टार्टिंग में, यानी बारिश के सीजन की स्टार्टिंग में की जाती है, लगभग जून जुलाई के आसपास। और इस फसल को मैन्योर यानी कि खाद और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता होती है अच्छी तरीके से ग्रो करने के लिए। फ्लावरिंग इसमें लगभग 60 से 75 डेज सोइंग के जब हो जाते हैं उसके बाद में इसमें फ्लावरिंग आती है, और ये फ्लावर इसमें अवेलेबल रहते हैं लगभग 8 से 10 हफ्तों के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट इसकी हार्वेस्टिंग के बारे में बात करते हैं। जो इसमें फसल की कटाई की जाती है, कटाई करने का मतलब है कि इसमें जो यूजफुल पार्ट है उसी को हम हार्वेस्ट करेंगे। तो इसका यूजफुल पार्ट है क्या? कॉटन बॉल। तो उसकी हैंड पिकिंग की जाती है, यानी हाथ से तोड़ा जाता है और हैंड पिकिंग इसकी बेस्ट रहती है। हालांकि हार्वेस्टर्स भी यहाँ पे काम में लिए जाते हैं, पर हैंड पिकिंग इसकी बेस्ट प्रोसेस है। चलिए अब हम बात करते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ कॉटन की। और ये जो टाइप्स बन रहे हैं, ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेसिस पे इसके टाइप्स बनाए गए हैं। तो देखिए, जो ये जीनस गॉसिपियम है, इसको चार ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला ग्रुप इसका कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड कहलाता है। इसमें जो मेंबर्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या ये 13 मानी गई है या 13 होती है। और इसका एग्जांपल है गॉसिपियम हर्बेसियम, इसे लेवेंट कॉटन या फिर ओल्ड वर्ल्ड कॉटन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ग्रुप है वो है कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ न्यू वर्ल्ड। यहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या 26 है और इसका एक मेंबर हम एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं गॉसिपियम हर्सुटम, इसे अपलैंड कॉटन या बर्बन कॉटन या अमेरिकन कॉटन या न्यू वर्ल्ड कॉटन कहा जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड जो इसका टाइप है वो है वाइल्ड कॉटन ऑफ ओल्ड एंड न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या वापस 13 है और एग्जाम्पल के फॉर्म में गॉसिपियम आर्बोरियम इसका एक मेंबर है। इसका कॉमन नेम है सेलॉन कॉटन या चाइनीज कॉटन या ट्री कॉटन कहते हैं इसे, या फिर ओल्ड वर्ल्ड वाइल्ड कॉटन कहा जाता है इसे। चलिए फोर्थ इसका टाइप है वाइल्ड कॉटन ऑफ पॉलिनेशिया। इसमें जो इसके क्रोमोसोम्स की संख्या है वो लगभग 26 क्रोमोसोम्स इसमें पाए जाते हैं और एग्जाम्पल है इसका गॉसिपियम बारबाडेंसिस, इसे सी आइलैंड कॉटन या इजिप्शियन कॉटन या ब्राजीलियन कॉटन या पेरुवियन कॉटन, किडनी कॉटन, न्यू वर्ल्ड कॉटन, ये इसके कुछ नाम है, ये कहा जाता है। चलिए अब हम इसकी प्रोसेसिंग की बात करते हैं। प्रोसेसिंग में प्रोसेस के इसके टाइप्स हैं। प्रोसेसिंग का मतलब है कॉटन बॉल से ऐसा मटेरियल के रूप में इसे तैयार करना जिससे कि आगे चल के कपड़े वगैरह जो भी यूजफुल आइटम्स हैं वो बनाए जा सके। तो देखिए, प्रोसेसिंग में पहला स्टेप होता है इसका गिनिंग। गिनिंग में हम क्या करते हैं, जो कॉटन बॉल फील्ड से लाया गया है उसकी जो वॉल है, कैप्सूल की जो वॉल है और जो उसके ऊपर सॉइल लगी हुई है और बहुत सारी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको हटाया जाता है। और इस प्रोसेस को करने के लिए मशीन्स काम में जाती है जिन्हें रोलर गिन या फिर सॉ टाइप गिन कहा जाता है। दूसरा स्टेप आता है बेलिंग। गिनिंग के बाद आता है अगला स्टेप बेलिंग। यहाँ पे जो कॉटन गिनिंग के प्रोसेस से आया है उसे पैक किया जाता है बेल्स के अंदर और हाइड्रोलिक प्रेस यानी कि मशीन से, प्रेस मशीन से दबा के उसे बेल्स के अंदर पैक किया जाता है। और हर बेल का लगभग जो वेट होता है वो 226 केजी के आसपास का वेट होता है। और फिर जो बेल्स होती हैं इन्हें मिल्स पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब मिल्स में जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे कहते हैं पिकिंग। और पिकिंग के लिए जो बेल्स आई हैं अब उन्हें एक स्कचर नाम की मशीन के थ्रू बीट किया जाता है और फ्लफ किया जाता है, यानी उसमें चोट की जाती है और उसे फ्लफ किया जाता है, अलग अलग किए जाते हैं उसके फाइबर्स को। और इसके फाइबर्स जो हैं इस तरीके के प्रोसेस से और भी जो इम्प्योरिटीज में बची हुई हैं उनसे वो हट जाती है उसके अंदर से और इन कॉटन्स को अब जाके कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने का मतलब एक शीट या लैब के फॉर्म में इसे डेवलप कर दिया जाता है। यहाँ पे शीट या लैब बना दी जाती है, परत बना दी जाती है इसकी, परत के फॉर्म में इसका डिफॉर्मेशन कर दिया जाता है। अगला स्टेप आता है इसका कार्डिंग। कार्डिंग में जो फाइबर के जो गुच्छे रह जाते हैं या फिर लम्ब्स रह जाते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है इंडिविजुअल फाइबर के फॉर्म में। कार्डिंग मशीन्स के थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इमेच्योर फाइबर्स हैं उनको अलग किया जाता है और इम्प्योरिटीज को भी थोड़ी बहुत जो रह जाती है उन्हें और अलग किया जाता है। अगला जो स्टेप है वो कॉम्बिंग एंड ड्राइंग का स्टेप है। यहाँ पर फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है और शॉर्ट फाइबर्स को अलग कर दिया जाता है और फिर ये दोनों जो फाइबर्स हैं यानी कि स्ट्रेट फाइबर्स और छोटे फाइबर्स जो अलग कर दिए गए हैं, अब वो जो स्ट्रेट फाइबर्स है उनको एक स्पेशल फनल के थ्रू पास करवाया जाता है और अब ये थिन और सॉफ्ट स्ट्रिप यानी कि पतली पतली जो आप ये कह सकते हो कि पतली पतली जो उसकी लेयर्स हैं उनको काट लिया जाता है ये शीट या लैब से अलग कर दिया जाता है और अब इसे स्पिन किया जाता है
स्पिन करने के थ्रू क्या होता है कि जो फाइबर्स हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है और एक चीज बन जाती है, उसे यार्न कहते हैं। और ये यार्न जो है वो स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हो जाता है, जिससे कि आगे यूजफुल आइटम बनाया जाता है। चलिए हम यूजेस की बात करते हैं। तो कॉटन के जनरल यूजेस हैं, ये कपड़ा बनाने में काम में आता है, कायर फैब्रिक बनाने में काम में आता है, धागे बनाने में काम में आता है, ठीक है। अब एक मटेरियल होता है जिसे कहा जाता है मर्सराइज्ड कॉटन। ये मर्सराइज्ड कॉटन क्या है, जो कॉटन फाइबर है उसमें कॉस्टिक सोडा ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से जो कॉटन फाइबर है वो शाइनिंग सरफेस का हो जाता है, यानी शाइनिंग फाइबर का फॉर्मेशन होता है। एक और कॉटन आती है जिसे कहा जाता है एब्जॉर्बेंट कॉटन, और ये एब्जॉर्बेंट जो कॉटन है मटेरियल्स को अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसके एब्जॉर्बेंट कॉटन का रहता है। इसमें क्या होता है कि जो कॉटन के फाइबर्स के ऊपर सेल्यूलोज की जो ऑयली सरफेस है सेल्यूलोज फाइबर के ऊपर, उस ऑयली सरफेस को हटा दिया जाता है, तो प्योर सेल्यूलोज फाइबर्स का हमें यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। और ये जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है ये चोट को कवर करने के लिए काम में आते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है रेयॉन, और इसमें कुछ टाइप की प्लास्टिक्स या फिर एक्सपोजिव भी बनाए जाते हैं। फिर एक टाइप की और कॉटन आती है जिसे वाटर रेपेलेंट कॉटन कहा जाता है, और ये वाटर रेपेलेंट कॉटन जो है ये कॉटन फाइबर में सोडियम अमोनियम एसीटेट और एल्यूमिनियम एसीटेट को ऐड करके फिर बनाया जाता है। वाटर रेपेलेंट कॉटन है, पानी इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, पानी चिपक नहीं पाता इसके ऊपर। और वाटर रेपेलेंट कॉटन किसके काम में आती है, टैंक्स बनाने में और अदर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनाने के लिए काम में ली जाती है। चलिए और घरों में हम काम में लेते हैं कॉटन को, तकिए और जो बैगिंग्स वगैरह होती हैं उनको भरने में काम में लिया जाता है। फिर देखिए कॉटन का जो सीड्स होते हैं ये भी प्रोटीन्स के और विटामिन के अच्छे खास सोर्स हैं, पर्टिकुलरली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अच्छे खास सोर्स हैं। और ये सीड्स हैं ये जानवरों के चारे के रूप में अच्छे तरीके से प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो यह हमने फाइबर क्रॉप्स में एक जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो हमने पढ़ा कॉटन। नेक्स्ट क्लास में हम जूट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।